नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर और ये हैं हिमांशु। हम लोग आज दोबारा से आए हैं अपने फार्म पे। बैग्स रखे हुए हम लोगों को 5 दिन हो चुके हैं और ये जो चूहे मारने वाली दवाई थी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव निकली है, तो आज हम लोग फिर से लेके आए हैं और यहाँ पे हम फिर से रख रहे हैं, क्योंकि जब से हमने ये रखनी शुरू करी है हमारे बैग्स फटे नहीं हैं। और ये आप जैसे देख सकते हैं इसके अंदर भी कोई चूहा फंसा नहीं। एक बार हिमांशु भाई से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रेड कलर लेके आए हैं इसका नाम बताएं। ये जो रेड कलर हम लेके आए हैं ये है ऑल सील रेड कलर। जी, ये सेम आपका रोबंदा रेड कलर की तरह काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव है जैसा कि मैंने कन्फर्म किया था। हाँ जी, तो ये वाला जो आप रेड कलर यूज़ करना चाहोगे तो आप ये वाला ही यूज़ करना। रोबन भी आप ले सकते हो, बाकी ये वाला मेरे को बोला गया कि ये ज़्यादा बेस्ट है यूज़ करने के लिए। अच्छा, एक एडिशनल प्रॉब्लम जो हमारे साथ स्टार्ट हुई है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। हमारे कुछ बैग्स में, जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने पहले कमेंट करके हमसे पूछा था कि उनके बैग में ग्रीन कलर के मोल्ड, मतलब ग्रीन कलर का एक मोल्ड कहते हैं, उसे ग्रीन मोल्ड बोलते हैं, वो डेवलप हो रहा है, तो वो हमारे बैग्स में भी आ गया है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये आप लोग देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर का जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको कहा जाता है ग्रीन मोल्ड और ये एक डिजीज़ है। ठीक है, ये हवा में प्रेजेंट बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं आपके सारे बैग्स में डेवलप हो, कुछ बैग्स में ये आ जाता है और आप अगर समय रहते उसका ट्रीटमेंट कर दें तो वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी और बाकी बैग्स में नहीं फैलेगी। आप इस वाले बैग में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का हल्का ग्रीन कलर का ये ग्रीन मोल्ड अंदर पैदा हो रहा है, ये भी एक तरीके का फंगस ही है। ठीक है, आप इस वाले बैग में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा ये ग्रीन कलर का कुछ मटेरियल आपके भूसे के बीच में दिखाई देगा, तो ये हमारा ग्रीन मोल्ड ही कहलाता है। अब बात आती है इसका इलाज कैसे करा जाए। तो हम लोगों ने, जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक बार कमेंट में पूछा भी था कि उनके बैग में ये आ रही है समस्या तो कैसे करा जाए, तो हम लोगों ने वहाँ भी रिप्लाई किया, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना होगा। आप लोग 1 लीटर पानी में 10 ml फॉर्मलिन और 5 ग्राम बेवेस्टिन मिलाएंगे, उसका एक घोल बनाएंगे और एक सिरिंज लेंगे। ठीक है, हो सके तो 15 ml की सिरिंज लीजिए, उसको पूरा भरिए और जहाँ जहाँ पे आपके ग्रीन मोल्ड हो रहे हैं उस जगह पे आप इंजेक्ट कर दीजिए और ऊपर से हाथ से रब कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 से 3 दिन में आपके ग्रीन मोल्ड ख़त्म हो जाएंगे और बाकी बैग्स में भी नहीं फैलेंगे। तो ये एक और तरीके का रोडेंट रिपेलेंट है यहाँ पे हमारे पास, जिसको आप अपनी पेरिफेरी के अलोंग, अपनी पेरिफेरी के अलोंग इसको आप स्प्रेड कर दीजिए। जी, तो इससे क्या होगा कि एक लक्ष्मण रेखा आपकी बन जाएगी जिसको वो पार नहीं कर सकते। एक बार इसका नाम जरा जनता को दिखाइए, इसका नाम है ऑल सील ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स फॉर्मेट में है। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ये रेड कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं दोबारा वापस ग्रीन मोल्ड का शिकार करने के लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेलिन को इस ढक्कन में 10 ml डाल लिया है और इस सिरिंज के थ्रू हम लोग इसको 10 ml नापेंगे एग्जैक्टली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 10 ml यहाँ पे हमने फॉर्मुलिन को इस सिरिंज में डाल लिया है। ठीक है, अब इस 10 ml फॉर्मुलिन को आप लोगों को पानी में मिलाना होगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो सिरिंज में 10 ml फॉर्मुलिन लिया था और आप सामने देख रहे हैं 1 लीटर पानी हमारे पास, इस फॉर्मुलिन को हम लोग 1 लीटर पानी में मिला देंगे।
और मिलाने के बाद इसको हम लोग अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि इसका सॉल्यूशन जो है वो प्रॉपर एकदम होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाए जी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो होगा इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमने बनाया है 5 ग्राम बेवेस्टिन डालेंगे। तो अभी हमारे पास फिलहाल कोई वेट नापने की मशीन नहीं है तो अंदाजे से हम लोग यहाँ पे 5 ग्राम बेवेस्टिन इस सॉल्यूशन में मिलाएंगे। ये हम बेवेस्टिन लेंगे अंदाजे से हम लोगों ने 5 ग्राम बेवेस्टिन यहां पे लिया है और इसको अब हम इस सॉल्यूशन में मिला देंगे। अगेन ताकि एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाए इसको शेक कर लेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ग्रीन मोल्ड को खत्म करने के लिए सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसको इंजेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वही बैग है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, वन ऑफ द बैग्स जिसमें ग्रीन मोल्ड आया है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 स्पॉट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ग्रीन मोल्ड डेवलप हुआ है जिन भी कंडीशन की वजह से, हो सकता है इस बैग को ढंग से कंडीशन ना मिली। ये बनाने के थोड़े दिन 2-3 दिन तक ये भारी पड़ा हुआ था, हट के अंदर नहीं था, तो हो सकता है उस वजह से डेवलप हो गया हो। ऑल्दो हम लोगों ने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया था बैग बनाने से पहले इस भूसे का, फॉर्मलिन और बेवेस्टिन के सॉल्यूशन में। तो अब हम लोग आपको दिखाएंगे कि इसको ठीक कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हिमांशु भाई ने सिरिंज में वो सॉल्यूशन भर लिया जो मैंने आपको बताया था, पानी बेवेस्टिन और फॉर्मलिन का, और ये 10 ml की सिरिंज है। हम लोगों को 15 ml डालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले एक बार 10 ml का ये जो डोज है इसको लगाएंगे, उसके बाद 5 ml एक्स्ट्रा। तो देखिए किस तरीके से लगाना है इसमें, जिस जगह पे आपका वो ग्रीन मोल्ड है उस जगह पे इस नीडल को डालेंगे, ठीक है, और पूरी जो आपकी सिरिंज है उसको खाली कर देंगे। अब इसको हाथ से रब करना है, एक बार आपने अगर उस पर लगा दिया तो आप उसको हाथ से रब करेंगे अच्छे से। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही हमने ये फॉर्मलिन का और बेवेस्टिन और पानी का सॉल्यूशन इस पे इंजेक्ट किया है वो हल्का पड़ गया है। अब हम लोग इसमें 5 ml और लेंगे क्योंकि 15 ml का जैसे मैंने आपको बताया था डोज लगाना है। तो ये 5 ml हम लोगों ने और भरा है अभी यहाँ पे। और इसको सेम स्पॉट पे दोबारा से इंजेक्ट करेंगे। और इसको दोबारा से इस तरीके से रब करेंगे। तो जहां जहां पे आप लोगों का ग्रीन मोल्ड होगा इस तरीके से इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे और 2-3 दिन में आप लोगों को देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज और करिएगा आप लोग कि जहां पे भी जिन बैग्स में भी आपके ग्रीन मोल्ड आ रहा है उसके आसपास के जो बैग्स हैं वो थोड़ा सा उनसे दूर कर दीजिए ताकि जो दूसरे बैग्स में कंटेमिनेशन है वो ना हो। तो उस बैग को थोड़ा सा अलग जगह पे रख दीजिए। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे हम लोगों ने इस बैग को अलग रख दिया इधर।
और ये जो दूसरा स्पॉट है वहाँ पे हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन को। तो आप लोग इस तरीके से इस प्रोसेस को रिपीट करते रहिए और होपफुली आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।